हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन शुक्ला। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए क्रीम चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं 1 लीटर फुल फैट मिल्क बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। देखिए हमारा दूध बॉईल हो गया है। इसका फ्लेम मैंने लो कर दिया है। इसे हल्का सा इस तरह से स्टर करते हुए मैं इसमें दही डालूंगी। 2 चम्मच रूम टेम्परेचर पे दही लिया हुआ मैंने। इसे इस तरह धीरे धीरे डाल के मैं इसे स्टर करूंगी। इसे जब तक दूध नहीं फटता तब तक हम इस तरह डाल के इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए मेरे दूध में सेटलिंग थोड़ा शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ ताकि पानी और दूध सेपरेट हो जाए। अभी मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे इस तरह से स्टर करती रहूंगी। ये देखिए हमारा दूध और पनीर सेपरेट हो गया है। इस तरह से इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए मैंने इसमें 4 चम्मच दही डाले थे। अब मैं इसे छान लूंगी। इस तरह से मैंने कपड़े बिछा के रखे, इसमें इसको छान लेंगे। दही डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसे हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हल्का सा छान लेना है, इस तरह से पकड़ के। बहुत ज़्यादा इसे निचोड़ना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे ऐसे रख दीजिए। ये देखिए मेरा पनीर एकदम रेडी है। इसमें से पानी को ज़्यादा नहीं निकालना है और ना ही इसे ठंडा करना है। इसे मैं इस तरह मिक्सी जार में डाल के कम्पल कर दूंगी। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए और इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, आप अमूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर की फ्रेश क्रीम ली है, फ्रिज में रखा हुआ नहीं। ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। इसमें हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग में सॉल्ट डालूंगी। अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए मेरा क्रीम चीज़ बनके रेडी है। बहुत ही स्मूथ बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली करनी है तो इसमें आप 2 चम्मच दूध भी मिला सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये स्मूथ बना एकदम। मैंने इसे क्लासिक बनाया है, प्लेन। आप इसमें अपने मनपसंद के फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे मिंट फ्लेवर। ये देखिए मेरा क्रीम चीज़ बनके रेडी है। आप इसे अपने हिसाब से कई फ्लेवर से बना सकते हैं, जैसे मिंट के साथ, हरी चटनी, चिली फ्लेक्स या ओरिगानो फ्लेवर में। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।